अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं ये सूट बना रहा था तो बनाते बनाते मेरे दिमाग में ये आया कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर लूँ। क्योंकि देखिए, जब हम घेरा इस तरीके से फोल्ड करते हैं ना, जो हमारा ये निशान लगा हुआ होता है, हम इसको इसी तरीके से फोल्ड कर देते हैं ऐसे करके। और फोल्ड करने के बाद में क्या होता है, जब हम इसके नीचे वाला फोल्ड करते हैं, उस घेरे में आ जाता है हमारा झोल। तो इसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको मेरे पैटर्न चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, अब मैं इसको बना के आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये हमने इस तरीके से ये कट लगा रखा है, यहाँ से नीचे से देखिए, इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये हमारा देखिए, ये सीधा है। करते क्या है, देखिए हम इस तरीके से लेते हैं और इसको इसी तरीके से ऐसे फोल्ड कर देते हैं। अब फोल्ड करने का देखिए, मैं इसको सिलाई लगा लेता हूं पहले। ये धागा देखिए पहले टूट गया है, इसको मैं धागा डालता हूं पहले। ये देखिए इस तरीके से, ये हल्की सी सिलाई लगा के मैं आपको दिखा देता हूं कि होता क्या है। देखिए, जैसे हमने ये लगा ली, अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे यहां से इस तरीके से, तो जब ये फोल्ड होता है ना, तो ये चीज इस तरीके से निकल जाती है, ये कोना निकलता है। जब हम इसको यहां पे करेंगे, फिर हल्की हल्की झोल डालते हैं, फिर ये जाके सेट होता है। तो इसको किस तरीके से खत्म करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ये कभी भी आपकी शिकायत आएगी नहीं अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इसको इस तरीके से लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हाथ रखेंगे जहाँ पे आपको ये फोल्ड करना है, यहाँ पे इस तरीके से हाथ रखेंगे। और हल्का सा इसको दो सूत इस तरीके से लेंगे, ये देखिए। इस तरीके से लेने के बाद में इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि ये होती तो छोटी सी चीज़ है, मगर जब आप सूट पहनते हैं ना, तो कोने पर से जब निकल जाता है, तो तुरपाई करने में भी वो हल्का सा ऊपर की साइड में आ जाता है, तो कई बार नज़र आता है। देखिए इस तरीके से इस दर्द सिलाई लगाएंगे, फिर ये वाला हिस्सा लेंगे, इसको भी हम इस तरीके से ऊपर चढ़ाएंगे ऐसे, और इधर सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके। देखिए इस तरीके से, जो हमने ये कट लगा रखा है, इसको इस तरीके से ऐसे करके सीधा यहाँ पे लेके आएंगे। और जैसे ही हमें नीचे यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे इतना फोल्ड करना है, यहीं पर मशीन को रोक देना है। और रोकने के बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। देखिए, ये हमारा यहाँ पे पतला आएगा और ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। देखिए कट ये है, तो आपका दो सूत के करीब और एक सूत के करीब इधर आ गया। तो इसको देखिए इस तरीके से लगा लेंगे। अभी देखिए, जैसे मैंने इधर लगाया है, इसी तरीके से सेम दूसरी तरफ लगा के फिर नीचे का घेरा फोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जैसे हमने ये दोनों तरफ ऐसे करके फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद में देखिए, इसकी गोलाई अंदर की साइड में ऐसे जा रही है, दोनों तरफ से ये हल्का सा इधर को जा रहा है। अब इसको देखिए, हम ऐसे करके उठाएंगे, तो हमने इतना फोल्ड करना है, तो ये पकड़ना है ऐसे करके। देखिए ऐसे करके जब पकड़ेंगे, अब इसको ऐसे करके आप रख देंगे। देखिए आराम से, कहीं नहीं खींचना है आपको। देखिए इस तरीके से रख देंगे, तो इस साइड में भी देखिए हल्का सा कम आ रहा है, ये पल्ला कम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहां से ये बिल्कुल फिर फिनिशिंग से दिखता है ये, देखिए। और इसी तरीके से देखिए, इस साइड से भी ये हमारा एक आध सूत इस तरीके से कम आ रहा है। अब इसको ऐसे करके लेंगे आराम से और इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए अब आपको कहीं पे भी झोल डालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम इस तरीके से अगर ये फोल्ड करते हैं, तो हमारी जो यहाँ पे झोल वगैरह होती है ना, थोड़ा सा चौड़ा पतला भी हो जाता है झोल डालते समय। तो इस तरीके से देखिए, ये तरीका अगर आप अपनाते हैं इसको, तो आपकी कहीं पे भी देखिए झोल नहीं आएगी। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे भी देखिए ये कम आ रहा है। अब ये देखिए, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ये आराम से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, अभी जो हमारी सिलाई जो लगा रहे थे हम, तो ये तकरीबन हमारा ज्यादा आ रहा था। अब ये देखिए, जैसे हमने ये सिलाई लगाई, तो ये हल्का सा बढ़ता है और ये नम होता है, तो ये बिल्कुल इसके पास में आ गया। देखिए यहाँ पे, और इधर से भी देखिए इसके पास में है। जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे, सीधी तरफ से ऐसे रख के, तो देखिए कहीं से भी आपका कपड़ा कोई नहीं निकल रहा है। कोना जो बना हुआ है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, इधर भी और इधर भी। तो दोस्तों, इस तरीके को आप अपनाएंगे तो आपके जो सूट में से इधर से थोड़ा सा निकल जाता है, वो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।